ये घड़ी है जी, और इसके पीछे जो है वो ये नेटवर्क इसका है, इसकी लाइट जल रही है, इसके साथ में छोटी सी बटन है, और ये इसका जो है वाईफाई का एंटीना है, और ये इसका यूएसबी चार्जर है। यहाँ आपने फीमेल कनेक्टिविटी करनी है, ठीक है। और ये जो है इसकी घड़ी का सेल लगेगा इधर, और बाकी सारे इसका ये पासवर्ड है इसका, जो आपको चाहिए होगा एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, मैनुअली डालना पड़ेगा या QR कोड इस्तेमाल कर लें। बाकी ये कैमरा लगा हुआ है इधर, ठीक है, और इसका आप सामने से भी देख सकते हैं, ये देखेंगे सामने कैमरा लगा हुआ है, और ये इसके कोड्स हैं, ये जो है वो इसका माइक इधर लगा हुआ है, ठीक है, थैंक यू। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसकी जो पावर केबल है वो जानबूझ के जो है वो ये फीमेल दिए, ताकि हर कोई इसको कनेक्ट ना कर सके, ठीक है। तो ये फीमेल केबल जो है वो देखिए ऊपर की तरफ ये आएगा, जो इसका मैंने मार्क किया हुआ ऊपर वाइट कलर का, जो ये आएगा इसमें यहाँ केबल लग जाएगी, और ये एट द टाइम चार्ज भी करेगा। इसकी बैटरी बिल्ट इन है, आप चाहें तो अलग से बैटरी भी लगा सकते हैं, ठीक है, थैंक यू। ये जो है इसका मैं टेम्प्रेरी चार्जर रखा हुआ, आप चाहें तो इसमें आप टेम्प्रेरी चार्जर में इसको लगा सकते हैं, ताकि आपको कोई पोर्टेबल जगह पे रखना हो उसको कैमरे को। तो ये देखिए तो जा रहा है इसके पीछे, ये जो चल रही है ऑलरेडी पावर्ड है, चार्ज है, तो इस वक्त अभी इसको पता नहीं चल रहा, बट जैसे ही ख़त्म हो गया ये इसको फीडबैक दे देगा पीछे से। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, ये जो है व्यू है इस कैमरे का, ये मैंने कंप्यूटर पे कैप्चर किया हुआ है, ठीक है, और देखें इसकी आप क्लियर कितना है ये, इसको हम इसको जूम कर देते हैं। मैं जो है मोबाइल से ऑपरेट कर रहा हूँ उसको, ठीक है, ताकि आपको मैं दिखा सकूँ। मैं एक मिनट क्लियर कर दूँ, ऊपर जो मैं लिखा है मैं क्लियर कर दी, क्लियर। और ये देखें जी, इसको मैंने जूम किया है और ये मोबाइल से मैं कर रहा हूँ, ठीक है, और ये देखिए मैं वापस ले, ये इसका मेन्यू है, मेन्यू में जो है ये जो है ये मैनुअल रिकॉर्डिंग के लिए, वैसे तो ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग है मेन्यू में पीछे, इसी तरह ये जो है आपको दोबारा दूँ, ये जो दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये जो कैमरा है ये मैनुअल रिकॉर्डिंग का मतलब मोबाइल के ऊपर रिकॉर्डिंग होगी आपकी, ठीक है, और ये लेफ्ट राइट करने के लिए मैं दिखा दूँ आपको, लेफ्ट राइट, ठीक है, लेफ्ट राइट पोजीशन चेंज हो रही, इसी तरह अप एंड डाउन है, अगर उल्टा लग जाए कैमरा तो आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। ये इसका मेन्यू है, दिस वन एंड दिस वन, ये अप एंड डाउन का है, ठीक है, और ये है मैनुअल स्नैपशॉट का, तो ये तस्वीर मोबाइल में आपकी सेव हो जाएगी, ठीक है, स्नैपशॉट सेव होगी। ये आपका माइक है, आप यहाँ से बोलेंगे, लेकिन उधर स्पीकर नहीं है, हमने स्पीकर लगाया नहीं उधर, इसका कोई यूज नहीं है उधर, लेकिन ये जो लास्ट स्पीकर है ये आपका आवाज सुनाई देगा, जो क्लॉक में माइक लगा हुआ है, ठीक है, आपको आवाज आएगी। इस तरीके से जो है वो जो ये ब्राइटनेस का है, दिस वन, ये जो है दोबारा आप इसमें ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है, मोबाइल से देखिए मैं करता हूँ, क्लिक किया था, आप इसमें देखें, या आप इसको कम ज्यादा करेंगे तो ये इसकी क्या कहेंगे कंपोजिशन जो है वो चेंज हो रही है, इस तरह ये ब्राइटनेस है, ठीक है। ये आपका जो है ये आपको नाइट विजन के लिए है, अगर अंधेरा हो जाएगा तो ये आपको दिखाएगा, मैं आपको अंधेरा करके भी दिखाता हूँ, एक मिनट होल्ड करें ताकि पता लग जाए क्या जो है ना इसका फीचर्स हैं नाइट विजन के, लेकिन ये मैनुअल है, ऑटोमेटिक नहीं है। अब देखें ये मैंने बिल्कुल लाइट बंद कर दी है, इसमें जो शेड्स आ रहे हैं, शेड्स की वजह जो है वो वाइब्रेशन है, बैटरी इसमें पीछे लगी हुई है, ठीक है, पावर नहीं लगी हुई, हमने इसको बैटरी से चला रहे हैं, तो ये लो बैटरी की वाइब्रेशन हो सकती है या कोई चीज़ को कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, ठीक है। अब मैं
लेकिन इसको दबा रहा हूँ, इतना तो भी फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, हल्का सा आपको देखिए नजर आ रहा है, इतना क्लियर नहीं है। Anyway, मैं जो हूँ इसको ऑफ करके दिखाता हूँ। ये मैंने ऑफ किया, अभी देखिए ये मैंने इसको ऑफ कर दिया, अभी दबाऊंगा तो ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक फीचर है। ठीक है, ये फीचर आपने सीख लिया। अब इसमें देखें, ये मोबाइल के लिए है जीपीयू। आप जीपीयू मोबाइल का यूज करना चाहते हैं, जो ग्राफिकल प्रोसेसर है वो मोबाइल का यूज करना चाहते हैं, तो आपको हाई क्वालिटी मिलेगी। आप चाहें तो इसको ऑफ कर सकते हैं, चाहें तो इसको ऑन कर सकते हैं। ओके, अब हम चले जाते हैं पीछे बैक मेन्यू में। बैक मेन्यू के लिए जो है, मैं ये बटन प्रेस करूंगा 2 मरतबा, 1 मरतबा। अब देखें ये वर्टिकल मोड में हो गया, उसके बाद मैंने प्रेस किया, ये हो गया आपका वर्टिकल मोड मोबाइल में, इसका मेन्यू आ गया। ये इसका मेन मेन्यू है। इस मेन मेन्यू में मैं आपको बताता चलूं, देखिए इसमें कई कैमरे ऐड हो सकते हैं। ये इसकी ऐड की बटन है, दिस वन। ये इसकी सर्च की बटन है, ये इसकी एक वक्त में 4 कैमरे आपको नजर आ जाए, ये 4 व्यूज आप दिखा सकते हैं। ठीक है, ये इस प्रोडक्ट का नाम है। ठीक है, और ये इसका लेबल है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि ये जो मेन्यू है, ये इसका सेटअप मेन्यू है, और ये इसका जो मेन्यू है ये लाइव का है। ये स्नैपशॉट जो सेव हो रही है आपके लोकल मोबाइल पर, ठीक है, जो आपने खींची होंगी मैन्युअली, ठीक है, और मोशन डिटेक्शन पे भी ये सेव हो रही होंगी। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखें ये लास्ट पिक्चर सेव हुई। ये फिनल जो है, ये आप इसमें कर सकते हैं जी। आपको कौन सी देखनी है, ऑल देखनी है या कैमरे की देखनी है? ऑल कौन, तो भी इसी कैमरे की हो सकता है, कहीं और कैमरे लगे हुए हों इस तरह आपके कई कैमरे, तो इसी इसी ऐप से आप एक ही ऐप से देख सकते हैं उसको। मैंने इसको क्लिक किया कैम के ऊपर, तो करंटली देखें एक स्नैपशॉट सेव हुई हुई है जो अभी हमने रिसेंटली सेव की थी। ठीक, तो इसी तरह रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग के अंदर जो है ना, वो कई किस्म के हैं। एक तो लोकल है, देखिए लोकल है, इसके अंदर रिमोट एसडी कार्ड जो क्लॉक में लगा हुआ है, इसके बाद आप जारी बात इसमें से इसको डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोडिंग जो डाउनलोड हो रही है वो आपको देगा। डाउनलोडेड मतलब जो डाउनलोड हो चुकी है, डाउनलोडिंग जो हो रही है। ठीक है, इस वक्त हमने इसको लोकल पे किया, यानी मोबाइल पे मोड पे किया हुआ है, या फिर आप इसको कर सकते हैं एसडी कार्ड पे। एसडी कार्ड पे हम जब इसको जाएंगे तो हम क्लॉक में डायरेक्ट ये कैम्स जो रिकॉर्ड हुई है एसडी कार्ड में देख सकते हैं, जो आपको टाइम पीरियड के हिसाब से नजर आएंगी। ये टाइम पीरियड है इसकी। ठीक है, लेकिन मैं इसको क्लियर कर दूं, मैं ये हो गया। और उसके बाद आखिर में जो है ये अलार्म है। अलार्म का मतलब ये है कि आपके मोबाइल को जब कोई आएगा तो आपको इन्फॉर्म भी करेगा, आप कहीं भी हो आपको इन्फॉर्म हो जाएगी कि कोई ना कोई मूवमेंट हुई है। तो हम इसको सेटअप करते हैं। मैं दोबारा देखें जाता हूँ मेन्यू में, पीछे जाता हूँ लाइफ में, इधर जाता हूँ, ये जो है लाइफ, इधर जाता हूँ, प्रेस करता हूँ, ये जो मेन्यू है ये वाला, दिस वन, इसको जब मैं क्लिक करूंगा तो देखें कई चीज आ रही। टर्न ऑन अलार्म, ये वही अलार्म है। एक तो स्नैपशॉट आएगी आपके पास, ठीक है, दूसरा आपके पास क्या आएगा, आपके पास वाइब्रेशन होगी, तीसरा एक और भी घड़ी में से भी आवाज आएगी, ठीक है, इन्फॉर्म करेगी जी मैं ऑन हो गई हूँ। लेकिन हम इसको ऑफ और ऑन कर सकते हैं अलार्म के अंदर जाकर। ये मॉडिफाइड डिवाइस में, अगर लेट से मैं सबसे पहले फर्स्ट वाले में जाता हूँ, टर्न ऑन द अलार्म, मैं ऑन करूंगा अलार्म, तो देखें नीचे लिख के आ रहा है टर्न ऑन अलार्म, टर्न हो। अब जैसी मूवमेंट होगी मुझे मोबाइल पे वाइब्रेशन होगी, और एक स्नैपशॉट जगह पे खींच स्नैपशॉट हो जाएगा, और इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो इस मेन्यू में आ जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, देखें इसके अंदर जो है, यहाँ जो है उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, अब मैं उठ के उधर जाऊंगा दूसरे कमरे में, तो फिर आपको ये वाइब्रेशन का इफेक्ट आएगा इसके अंदर। ठीक है, आप होल्ड करिएगा, मैं इसको कर, यहाँ देखें मैंने वाइब्रेशन की तो ऑन हो गई। ठीक है, ये 3 स्नैपशॉट आए हैं, इसमें टाइम स्टैम्प आ गया है, टाइम देख लें 12:30, 18:27, 16, कैमरा मोशन डिटेक्शन अलार्म। ठीक है, और ये बता रहा है आपने इसको अलार्म को, जब मैं इसको चेक कर लूंगा तो मैं इसको प्रेस करूंगा तो ये अलार्म का जो रेड अलर्ट है वो खत्म हो जाएगा, तो आपने ऑलरेडी इसको देख लिया है। ठीक है, यू हैव बीन इन्फॉर्म्ड। तो इस तरह जो है, इस रिकॉर्डिंग का मैंने बताया, ये एसडी कार्ड पे रिकॉर्डिंग है, ये लोकल रिकॉर्डिंग है। लोकल रिकॉर्डिंग भी आप इसको कर
कर सकते हैं मैन्युअली, जैसे मैंने आपको बताया था, या मेन्यू, आप जब जाएंगे मोबाइल के अंदर और उसको व्यू करेंगे और आपको कोई ऐसी चीज है जो आप लेना चाहते हैं, तो ये मेन्यू में जाके आप जब रिकॉर्डिंग दबाएंगे तो ये रिकॉर्डिंग जो है वो मैन्युअली करके आप इसको, ये लोकल हुई है आपके मोबाइल पे, आप पीछे गए यानी कि बाद आप जब इधर जाएंगे रिकॉर्डिंग में, रिकॉर्डिंग में जाकर आप लोकल देखें तो ये रिकॉर्ड हुई है, ठीक है। ये प्ले की बटन आ रही है, इसके अंदर हमने इसको प्ले दबाया, प्ले की बटन आ रही है इसमें, ठीक है। तो अभी इसको मैंने हॉरिजॉन्टल करूंगा क्योंकि मेरे मोबाइल में ऑटोमेटिकली हॉरिजॉन्टल नहीं हो रहा, मैंने इसको ऑफ किया हुआ है, तो आपके मोबाइल में ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और ये देखें इसकी प्लेइंग है, क्योंकि स्टिल है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आए तो आप लोगों को लग नहीं रहा, तो ये प्लेइंग अफेक्ट आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। अब आ जाए, ये आपका मोबाइल के बारे में बता रहे, कैम मैंने नाम रखा है इसके अंदर, ये इसकी डेट दिखा रहा है। डेट सेटिंग के लिए हम लोग जारी बातें मेन्यू में जाके, यहाँ जो सेटिंग है असल में जिस डिवाइस सेटिंग है, डिवाइस सेटिंग में जाएंगे तो ये सारे इसके मेन्यूज हैं। अलार्म के बारे में बताया हुआ है, अलार्म के अंदर क्या क्या चीजें हैं कि आप बता सकते हैं, जो रिकॉर्डिंग है मोशन डिटेक्शन के ऊपर, वो जो है कितना लेवल ऑफ सेंसिटिविटी कितनी हो उसकी, ठीक है। यानी आप चाहें तो इसको आप हाईएस्ट सेंसिटिविटी कर सकते हैं, हाईएस्ट देखें ये वाला है, और चाहे तो आप इसको डिसेबल कर सकते हैं, लोएस्ट है ये, ठीक है, लोएस्ट 7 हाईएस्ट 1। तो लेट्स से आप पिन ड्रॉप साइलेंस के ऊपर भी करना चाहते हैं तो कहते हैं मोस्ट प्रोबली नॉर्मल जो एरिया है वो होता है मोशन डिटेक्शन का बेस्ट पार्ट, ठीक है, जिसमें ह्यूमन डिटेक्शन हो जाती है, इसमें कोई फ्लाई इंसेक्ट वगैरह नहीं आता। पैट्स हैं वो तो आएंगे इसके अंदर, लेकिन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स नहीं आएंगे इसके अंदर। तो आप चाहें तो इसको 4 की जगह पे अगर आप इसको 3 कर देंगे तो हो सकता है इधर से वो स्टार्ट हो जाए, ठीक है। और एनीवे इसको 4 पे रखेंगे। बाकी देखें इसके अंदर आप अलार्म स्केड्यूल कर सकते हैं कि जी कब से कब तक, आप लेट से सारा दिन नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि रात के वक्त हो तो आप जाके इधर टाइम पीरियड उसका सेट कर सकते हैं। देखिए प्लस टाइम पीरियड यहाँ 4 बजे से लेके, और 4 का मतलब ये है कि आप इसको मिलिट्री टाइम के हिसाब से कर सकते हैं, 4 का मतलब है 16 बजे से लेके, ओके कर दिया मैंने। एंड टाइम ये आ गया, ठीक है, दोनों हमने सेट कर दिए, ठीक है। और उसके बाद कैमरा अलार्म टोन, टोन भी बताएगा ये, जब आपको मोशन डिटेक्शन होगी और आपके मोबाइल पे इसकी वाइब्रेशन आएगी, ठीक है। अलार्म इंटरवल हर 30 सेकंड के बाद जो है ना, ये इंटरवल आपको बताएगा, आप चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं, आप बोले जी मुझे 60 सेकंड के बाद बताएं तो आप इसको 60 सेकंड कर सकते हैं, ठीक। और इसी तरह रिसीविंग अलार्म मैसेज आपको चाहिए तो आपको अलार्म मैसेज भी भेजेगा आपको, ठीक है, जो आपके मोबाइल में आईपी के थ्रू आएगा, ठीक है। ऑन स्क्रीन डिस्प्ले भी करेगा, ठीक है, आपको चाहे तो आपको वो ऐप ऑटोमेटिक चल के आपको उधर ले जाएगी डायरेक्टली, ठीक है। और इस तरह जो आप इसको सेट कर सकते हैं, एट दिस मोमेंट मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ और इसको मैं ओके कर, वो वन ऑफ द फीचर मैंने आपको बता दी। इस तरह वाईफाई जो है वो आप चाहें तो इसको किसी भी वाईफाई से लिंक कर सकते हैं। वाईफाई से लिंक करने का मकसद ये है कि आप इंटरनेशनली भी इसको यानी एक्सटर्नल भी देख सकते हैं और इंटरनल भी देख सकते हैं। अभी एट दिस मोमेंट देखें ये कनेक्टेड है मेरे नेटवर्क से, ये है देखें स्ट्रीम वर्क मेरे वाईफाई का नाम, तो इसे आईपी ली हुई है 10 बिट। अगर ये P2P होता तो आपको ये नहीं दिखाता, तो मैंने बाय डिफॉल्ट इसको किया हुआ है। आप चाहें तो इसको रिसेट कर सकते हैं, कहाँ से रिसेट करेंगे, यहाँ से रिसेट कैमरा लास्ट जो है, क्योंकि ये P2P पे डायरेक्टली चला जाएगा, ठीक है। इस वक्त मैं अगर करूंगा तो ये सारा कुछ डिसेबल हो जाएगा, तो आप इसको करेंगे, इसके करने के बाद आप जो है देखेंगे आपके पास एक नेटवर्क आ जाएगा, उसमें उसका ऑलरेडी UAI नंबर है इसका, ये वाला नंबर जो है इसका जो लिखा हुआ है, ये नंबर आपको वाईफाई में नजर आएगा, ये नंबर इसका, इस पर कितने डिजिट का है, 16 का, ये 18 डिजिट का, ये आपको नजर आएगा वाईफाई में, जिससे आप P2P लिंक हो जाएंगे, ठीक है। बेहतर ये है कि इसका वाईफाई से लिंक करके रखेंगे तो फायदा ये होगा कि आपको किसी को ये विजिबल नहीं होगा, तो और आप जैसे बाहर जाएंगे तो ये 3G 4G में खुद ही अडेप्ट कर लेगा, उसका VPN के थ्रू विदाउट नोइंग एनी बॉडी आप इसको देख रहे होंगे, ठीक है। ये इसकी स्नैपशॉट है, इसके मेन्यू, खैर मेन्यू में कई चीजें हैं, मॉडिफिकेशन, मॉडिफाइड डिवाइस है, आप चाहे तो इसका नाम चेंज कर सकते हैं। ये इसका नंबर है, ये नंबर अगर आपसे खो जाएगा तो आपको प्रॉब्लम होगी, ये है कि UID नंबर, ठीक है, डिवाइस नंबर है, यूनिवर्सल डिवाइस नंबर है, ये एक अकाउंट आपका क्रिएट हुआ हुआ है सर्वर के ऊपर, VPN सर्वर पे, फ्री सर्वर पे, ताकि आप जो है ना वो इन
कोई और इसको इसमें जाएंगे, इसका डिफॉल्ट पासवर्ड नेम यूज करते हैं, आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप इसको चाहें तो सर्च कर सकते हैं, मतलब ऑन करके, या चाहें तो आप इसको देखो ऑलरेडी सर्च हुआ हुआ है, डिवाइस ऑलरेडी एग्जिस्ट लिखा हुआ आ रहा है, हम इसको पीछे जाके अगर चाहें तो इसको क्यूआर स्कैन भी कर सकते हैं। क्यूआर स्कैन का मतलब ये है कि वही स्कैन कोड आप इसको दबाएंगे तो आप इसको स्कैन कर पाएंगे कोड को, ठीक है। इसी तरह आप इसको पीछे चले जाएं और इसके मेन्यू में चले जाएं, ठीक है, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसके अंदर, ठीक है। डिवाइस सेटिंग के अंदर वाईफाई का मैंने आपको बताया, वाईफाई आप जंप करना चाहें तो किसी वाईफाई में जंप कर सकते हैं इसको, आप चाहें तो एसडी कार्ड रिकॉर्डिंग जो है ना, आप चाहें तो इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, या इसकी सेटिंग है कि फाइल लेंथ जो है हर 3 मिनट बाद वो नई रिकॉर्डिंग देगा, आप चाहें तो इसको 1 मिनट की भी कर सकते हैं ताकि जगह बच जाए, ठीक है। इसमें 16 GB का कार्ड भी लगा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लूप रिकॉर्डिंग करता है, ठीक है। लेकिन हमेशा जो है ना फ्री स्पेस 200 MB इसमें ऑलरेडी है और ये लूप रिकॉर्डिंग किया जा रहा है, ठीक है। आप चाहें तो इसको बड़ा एसडी कार्ड लगाएंगे तो ये 15 दिन की रिकॉर्डिंग, वैसे डिपेंडिंग ऑन द मोशन डिटेक्शन, इसमें जो मोशन डिटेक्शन है उसके हिसाब से ये आपको रिकॉर्ड करके देगा, ठीक है। लूप रिकॉर्डिंग का फीचर आप चाहें तो ऑफ कर सकते हैं, तो ये फुल हो जाएगा तो फिर ये बंद हो जाएगा, रिकॉर्ड नहीं करेगा जब तक आप उसको फॉर्मेट नहीं करेंगे, ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिक ओवरराइट करेगा। अभी साउंड रिकॉर्डिंग के साथ करेंगे तो कम जगह होगी, और रिकॉर्ड साउंड के साथ करेंगे तो ज्यादा जगह लेगा, ठीक है। ये मैंने कर दिया, बाकी आप क्वालिटी ऑफ एचडी जो है आप इसको दबाएंगे तो आप एचडी हाईएस्ट, मैंने एचडी कर दिया है, आप चाहें तो इसको मीडियम कर सकते हैं, और ऑल डे का मतलब ये है कि सारा दिन करना है या ऑन अलार्म बेसिस, तो आप चाहें तो इसको कनेक्ट कर सकते हैं टाइम रिकॉर्ड से, या आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, हमने पीछे सेट किया था, आप चाहें तो इसको कर सकते हैं ऑन अलार्म बेसिस, अलार्म होगा तो ये रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। हम दोबारा जो है ना ये मेन्यू में आ गए हैं, ठीक है, और इस मेन्यू के हिसाब से जो है देखिए, ये सारे अलार्म अभी बजे हैं, ठीक है, हम चाहें तो इसको क्लियर कर सकते हैं, हमने अलार्म ऑफ नहीं किया है, ये हर मोशन डिटेक्शन पे जो है ना आपको एक अलार्म दिया जा रहा है, ठीक है। हम चाहें तो इसको जाके लाइफ में जाके इसको अलार्म को ऑफ कर देते हैं, ऑफ बटन दबाई हमने, अब ये ऑफ हो गया है, ठीक है। अब ये अलार्म नहीं करेगा लेकिन मोशन डिटेक्शन पे रिकॉर्डिंग करेगा, क्यों, हमने मोशन डिटेक्शन इधर जो ऑन की है, देखें हमने इधर जो किया है इसको रिकॉर्डिंग, स्टेटस रिकॉर्डिंग हो रही है, ये ऑन रिकॉर्डिंग इसकी ऑन मोशन डिटेक्शन, और हमने इधर जाके एक और चीज की थी अलार्म के ऊपर जाके हमने इसको अलार्म सेट किया था, और ये जाके जो है ये इसकी रिकॉर्डिंग को मोशन डिटेक्शन पे ऑन कर देगा, ठीक, और ये लूप रिकॉर्डिंग होती रहेगी इसकी, और ये सेफ हो गया। तो अलार्म कॉन्फ़िगरेशन अलग चीज है, मोशन डिटेक्शन अलार्म अलग है, मतलब एक तो ये है कि जी आपको ये लोकल सेव करेगा मोबाइल के ऊपर, अलार्म पे स्नैपशॉट होगी, वो फर्स्ट स्नैपशॉट होगी, लेकिन अभी देखें अलार्म बजाए, क्योंकि अलार्म अभी हमने इसका ऑफ नहीं किया है, ठीक है। अभी मैं जाके दिखाता हूँ आपको, पीछे जाते हैं हम लोग, इसमें ये देखें अलार्म आए जा रहे हैं, हर डिटेक्शन पे अलार्म आया जा रहा है, तो हम इसको जो है वो ऑफ कर देते हैं, जाके टर्न ऑफ, ये मैं इसको क्लिक किया, ठीक है, अलार्म टर्न ऑफ सक्सेसफुली, ठीक है। अब दोबारा जाके देखेंगे, देखिए अलार्म अब ऑन हो सकता है इधर से, तो एट दिस मोमेंट हम इसको क्या करेंगे, अलार्म सारे क्लियर कर देंगे जाके ताकि जगह निकले इसमें, ठीक है। ये देखिए इसका स्नैपशॉट अलार्म का, ये जगह दिखा रहा है, ठीक है, ये मैंने 2 मरतबा दबाया तो एग्जिट हो रहा है, ठीक है। और बहुत सारे इसमें फंक्शंस हैं, मेनली फंक्शन मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। आप चाहे तो डिवाइस को डिलीट करके दोबारा रिकनेक्ट डिलीट कर सकते हैं, रिकनेक्ट कर सकते हैं, कभी कभी डिवाइस को पीछे से ऑफ करना पड़ता है, जो बटन मैंने आपको दिखाई है शुरू में वो आपको ऑफ करके ऑन करना पड़ता है, कभी ये कनेक्ट नहीं होता, ठीक है। या फिर बटन भी है रिसेट की, उसके अंदर वो रिसेट बटन दबानी पड़ती है ताकि सब कुछ रिसेट हो जाए, वैसे आप चाहें तो रिसेट इधर से भी कर सकते हैं, लास्ट वाला जो ऑप्शन है रिसेट कैमरा, यहाँ से भी आप रिसेट इसको कर सकते हैं, ठीक है। और चाहे तो डिवाइस को रिबूट भी कर सकते हैं, अगर डिवाइस कनेक्ट नहीं हो रही है किसी मोबाइल डिवाइस से और आपसे हो रही है, तो आप इसको, हो सकता है कि आपका मसला हो, यानी इसका जो एड्रेस रेजोल्यूशन है प्रोटोकॉल वो हैंग हो गया हो, जिसमें मैक एड्रेस जो है इसका बाय डिफॉल्ट जो उसमें डला हुआ है कंपनी की तरफ से, वो जो है वो एक्सेप्टेबल ना हो रहा हो, ठीक। या आप P2P पासवर्ड का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, जो पासवर्ड मैं दूंगा आप चाहे तो अपना पासवर्ड डाल सकते हैं कोई और कनेक्ट ही ना हो सके, ठीक है। या कोई पर्सनल पासवर्ड मैसेज, इसमें क्या है कि आप चाहें तो इसको जो एलईडी पीछे लगी हुई है क्लॉक के पीछे,
ठीक है, वो आप चाहे तो परमानेंटली ऑफ कर सकते हैं, आपको नहीं पता कि घड़ी ऑन है ऑफ है, चाहे तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, पता चलेगा घड़ी ऑन है, बैटरी चार्ज हुई है नहीं हुई है। बाकी एक फ्लिकिंग है इसकी, बाय डिफॉल्ट 50 हर्ट्ज जो है वो देखा जाता है इसमें, कि किसी और चीज से कॉन्फ्लिक्ट ना करें और उसकी जो वाइब्रेशन ना आए, तो हमने इसको 50 हर्ट्ज किया हुआ है। ठीक है, चाहे तो इसको डिसेबल भी कर सकते हैं, ठीक है, डिसेबल करके देख लें, हो सकता है आपसे किसी चीज से कॉन्फ्लिक्ट हो, ठीक है, या किसी चीज से डिटेक्ट हो जाएगी ये घड़ी में कैमरा लगा हुआ है, तो आप चाहे तो इसको डिसेबल कर सकते हैं। बाकी जो आईआर लाइट जो है ये वही आईआर स्केड्यूल कर सकते हैं। आईआर लाइट जो है ना वो ये जो मैंने आपको दिखाया था जो नाइट विजन के लिए है, आप चाहे तो स्केड्यूल कर सकते हैं इसको, चाहे तो मैनुअली ऑन ऑफ कर सकते हैं। मैं श्योर नहीं हूँ इसके बारे में, आईआर लाइट के बारे में मैंने इसका यूजेज नहीं देखा, लेकिन आईआर लाइट इसी के ही ऑप्शन है और इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। बाकी जो है ये कह रहे हैं कि टाइम जोन जो है ना वो जरूरी आपने चेंज करना है, देखें अकॉर्डिंगली चाइना का टाइम जोन सेट हुआ है, आपको जो है ना वो जब रीसेट करेंगे फौरन आके अपने टाइम जोन पाकिस्तान इसमें होगा, देखें कहीं ना कहीं ये रहा पाकिस्तान रशिया, ये मैंने इसको सेलेक्ट किया है, और उसके बाद देखें इसको मैंने ये इसका सर्वर है जो इंटरनेट से कनेक्ट हुआ, सर्वर इसका ऑटोमेटिकली इस टाइम को सेट कर देगा, इसका आप सिंक विद ऐप कर लें नीचे जो ऑप्शन है, उसके बाद आप वापस जाएं इसमें टाइम में, देखिए ये आपका टाइम जोन फॉर पाकिस्तान हो गया सेट, ओके कर दिया आपने, सेव हो गया ये। अब जो टाइम पीरियड जो टाइम दिखाएगा आपको ये टाइम पाकिस्तान के हिसाब से दिखाएगा, अलार्म के भी, ठीक है, और रिकॉर्डिंग के, रिकॉर्डिंग मतलब लोकल रिकॉर्डिंग प्लस एसडी कार्ड रिकॉर्डिंग जो है वो आपको टाइम पीरियड दिखाएगा पाकिस्तान के हिसाब से, ठीक है। बाकी स्नैपशॉट है, लाइव व्यू में दोबारा आ गए हम लोग। बाकी इसमें जो ये मैंने ऊपर बटन आपको दिखा रहा हूँ प्लस साइन की, ये जो है इंपॉर्टेंट है, जब आप इसमें कोई भी कैमरा ना हो तो फिर सारी बात है, अगर लेट्स से एक वन मोर कैमरा मैं आपको देता हूँ और वो आपके घर में लगा हुआ है, तो आप चाहे घर में लगाओ ऑफिस में लगाओ सारे इधर आ जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन इसमें वीपीएन का है, इसको दुनिया में कहीं भी लगे हो यहाँ आपको कैमरे सारे दिखा देगा वो। तो ये प्लस साइन जब आप दबाएंगे तो वंस जो है ना आपको कैमरे को ऐड करना पड़ेगा, ये दो ऑप्शन आपके पास आएंगे, ऐड न्यू ऑनलाइन डिवाइस और सेटअप डिवाइस वाईफाई कनेक्शन। लेट से एक घर आपका गुलशन इकबाल में, एक घर आपका डिफेंस में है, तो आप जाके मैनुअली जाके वंस फॉर ऑल जो है ना आप इसको वाईफाई को सेट करेंगे, उसके बाद फिर आप दोनों कैमरों को इधर ही सेटल पॉइंट से ऑन द थर्ड साइड यानी लेट से आप आ जाते हैं इस्लामाबाद, तो आप दोनों कैमरे एक साथ देख रहे होंगे, तो आपको ये मैनुअल जाके खुद एक वंस फॉर ऑल करना पड़ेगा वाईफाई के साथ, ठीक है। या तो इसको ऐड कर लें, ये ऐड जाके वो जो मैंने आपको यूआईडी नंबर दिया था वो आप इधर मैनुअली प्रेस करते हैं, या क्यूआर कोड मैं आपको स्टिकर दे सकता हूँ जिससे आप इसको क्यूआर कोड ऐड कर सकते हैं, क्यूआर कोड जो है वो ऑप्शन जो है इसमें बिल्ट इन है। सर्च लाइन अगर लगा हुआ है तो हो सकता है सर्च में वो यूआईडी नंबर खुद ब खुद पिक कर ले, लेकिन ये जो पासवर्ड है बाय डिफॉल्ट जो है वो 8888 चार मतलब 88 है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, चेंज करने के लिए तरीकेकार मैंने आपको बता दिया है, आप पीछे जाएंगे इसमें डिवाइस सेटिंग में लास्ट वाला ऑप्शन जो है इसमें जाकर आप जाएंगे, देखें पासवर्ड का दिया हुआ है चेंज P2P पासवर्ड, ये आपने जाके अगर पासवर्ड आप भूल जाते हैं कोई मसला नहीं है, आप जाके पासवर्ड बटन पीछे घड़ी के दी हुई है रीसेट बटन की, और वो आपने जाके प्रेस करनी है पेन से, ठीक है, पेन से नहीं बल्कि स्क्रू ड्राइवर से पतले से, कि हर कोई रीसेट ना कर सके, ठीक है, हम मैंने हिडन रखा हुआ है, और गलती से कहीं एसडी कार्ड को आप प्रेस करते हैं एसडी कार्ड बाहर आ जाएगा, ये भी एक डेंजरस पॉइंट है। कमेंट में और ये बात आप मतलब कोई आपको प्रॉब्लम है कोई क्वेश्चंस हैं तो मैं कर सकता हूँ। और एक चीज और ऐड कर दूंगी, इसको आप स्मार्ट टीवी से मैं ऐप को टेस्ट कर रहा हूँ कि आप स्मार्ट टीवी में चार कैमरे देख सकें कहीं से बैठे हुए, और आपको मैं बॉक्स दूं और वो आप स्मार्ट टीवी से कनेक्ट करें एचडी टीवी के साथ, ठीक है, और वो आप देख सकें, ताकि मोबाइल का जो रेजोल्यूशन है और उसको हैंडी नहीं है इतना, तो आप चाहें तो उसको एज अ सीसीटीवी जो मॉनिटरिंग डिवाइसेस हैं उसके, जैसे होटल वगैरह में या किसी फैक्ट्री वगैरह में, जरिए पर मोबाइल पर तो नहीं देखेंगे, लेकिन आप अपने टीवी जो लगा हुआ चैनल पे इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। एनीवे इस वक्त जो है अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह दोबारा बात होगी, अल्लाह हाफिज़।